आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलाम वालेकुम इकवाले सिरी के मेरे तमाम प्यारे बहन और भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे, आमीन। नाजरीन, आज एक सवाल आया, सवाल ये है कि क्या औरतें भी मर्दों की तरह मुबाशरत में मनी खारिज करती हैं। चलते हैं इस सवाल के जवाब की जानिब। इस सवाल का जवाब कुछ यूँ है कि हमारे यहाँ ये बात मशहूर है कि जिनसी लुत्फ सिर्फ मर्द के लिए है, औरत का काम सिर्फ ये है कि वो मर्द को हर तरह से जिनसी लुत्फ फराहम करे। इसलिए हमारे यहाँ बीवी सिर्फ अपने शोहर को जिनसी लुत्फ फराहम करने वाली एक मशीन समझी जाती है, जिसे खुद जिनसी लुत्फ की ज़रूरत नहीं होती। हमारे यहाँ औरत का जिनसी लुत्फ हासिल करना अयूब और बुरा समझा जाता है, हालांकि अल्लाह पाक ने जिनसी मलाफ में दोनों के लिए सुकून रखा है। क्योंकि हमारे माशरे में औरत को सेक्स से लुत्फानंदोज होने का अच्छा नहीं समझा जाता, जिसकी वजह से औरत का जिनसी मलाप का बंदोबस्त और कोशिश भी नहीं की जाती और इस तरह घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। पूरी दुनिया में सेक्स को गंदी और बुरी चीज़ समझा जाता है, इसलिए खवातीन के जिनसी मसाइल की बड़ी वजह यही गलत तसव्वुर किया है। इस्लाम में बग़ैर निकाह के जिनसी मलाप ना सिर्फ बुरी और गंदी चीज़ है बल्कि ये बड़ा गुनाह भी है। जबकि निकाह के बाद जिनसी अमल गंदी चीज़ नहीं बल्कि एक पसंदीदा अमल है, जिसके नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका जारिया और नेकी करार दिया है। निकाह के बाद जिनसी मलाप में शरीक होकर दोनों अजर सवाब के मुस्तहिक हो जाते हैं। अल्लाह पाक हमें दीन की समझ अता फरमाए और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।